और ना आज आसमान में आ रखे हैं बादल। आज लग रहा है कि जाड़ों का महीना आ गया है। फ्रेंड ये देखिए मौसम, मौसम रिमाइंडर, बर्फ का रिमाइंडर भी चलने लगा है। ये देखिए गाइज यहाँ पे कितना पारा गिरा हुआ है। यहाँ से अभी मैं गांव से होते हुए जा रहा हूँ ना, सुबह तो इस एरिया से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना पाला रहता है इस एरिया। ऐसे बादल आ चुके हैं ना, बहुत लोग पूछ रहे हैं स्नोफॉल जब भी होगा हमको रिमाइंडर जरूर कराना। तो मौसम देखिए आज तो मौसम ने करवट बदल लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त उपेंद्र सिंह पहाड़ों से एक और नया ब्लॉग लेके आ गया हूँ। अभी समय हो रहा है करीब 2 बजे का, तो 2 बजे मैं ब्लॉग की शुरुआत ही कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आज के मौसम की बात करो ना, आज का मौसम कुछ अलग ही बना हुआ है। सबसे पहले तो आप सुबह की मैंने एक क्लिप ली थी उसको देखिए, उसके बाद अभी के मौसम में आपको मिलता हूँ। जो अभी का मौसम बना हुआ है वो आपको दिखाऊंगा, पहले सुबह वाला क्लिप देख लीजिए। सुबह इतना पाला गिरा हुआ था ना, बता नहीं सकता, करीब 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था जब मैं दूध देने जा रहा था मार्केट की तरफ। ये देखिए गाइज यहाँ पर कितना पाला गिरा हुआ है, जो पूरा वाइट वाइट सा नजर आ रहा है सारा पाला ही है। तो फ्रेंड देखा कितना पाला गिरा हुआ था सुबह, और ना आज आसमान में आ रखे हैं बादल। आज लग रहा है कि जाड़ों का महीना आ गया है। जैसा जाड़ों के मौसम में फील होता था ना ठंडा, आज सेम वैसा ही ठंडा फील हो रहा है। मैं एक बार नज़ारा दिखाता हूँ आपको और उसके बाद करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत ही। फ्रेंड ये देखिए मौसम, आसमान कितना मस्त लग रहा है ना। कल तक नीला आसमान था, आज बादलों की कुछ अलग ही चमक देखने को मिल रही है। क्या मस्त दिख रहे हैं बादल, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी समय चल रही है हवा और दूर दूर तक का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है आज। मौसम रिमाइंडर, बर्फ़ का रिमाइंडर भी चलने लगा है, क्योंकि ऐसे ही बादल आते रहे किसी दिन बारिश होगी, ज़्यादा ही ठंड होगी तो बर्फ़ भी गिर सकती है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आज। तो दोस्तों कैसा लगा मौसम? किसी किसी समय धूप भी आ जा रही है, अभी हल्की सी धूप आ रही है, तो मौसम तो पसंद आया ही होगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं और देखते हैं अभी से क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स सीन अभी ऐसा है ना, मैं आ चुका हूँ घर से। घर पे तो हो रहा था खाली बोर, तो सोचा थोड़ा घूम लूँ, आपको भी घुमा लूँ। तो आ गया हूँ घर से, अभी ना गांव से होते हुए जा रहा हूँ मैं मार्केट की तरफ को, और नीचे वाले खेत पे गेहूँ भी उगने लगे हैं। देखिए और नीचे वाले जो घर में रहते हैं किशन भैया, उन्होंने अपने छत पे सुखाने को डाली है हल्दी, और उसी के बगल में देखिए वहाँ पे जो जौ होते हैं ना, एक अनाज ही होता है जौ, वो कितना बड़ा हो गया है। गांव का सीन तो कुछ ऐसा हो रहा है, इस तरफ को खेतों में बढ़िया सी मटर लगाई हुई है, जो कुछ दिनों बाद बढ़िया सी लगेगी इन खेतों पे। और फ्रेंड सबसे बढ़िया हुआ है आज मौसम, मौसम ने तो 4 चांद लगा दिया है, आज काफ़ी बढ़िया मौसम देखने को मिल रहा है। नज़ारे देखिए दोस्तों, आज आसमान में कुछ अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया सा व्यू आज देखने को मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, किसी समय धूप अभी आई थी फिर चली गई। ये देखिए फ्रेंड नज़ारा आज का। यहाँ से अभी मैं गांव से होते हुए जा रहा हूँ ना, सुबह तो इस एरिया से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना पाला रहता है इस एरिया में, बता नहीं सकता। तो फाइनली गाइस कसियालिंग मार्केट पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे ना गुड्डू भाई की शॉप के लगी आगे लगी हुई है गैस की गाड़ी, यानी कि गैस आ रखी है, और सभी लोग यहाँ पे गैस भर रहे हैं। आसपास के दुकान वाले और जिन लोगों ने यहाँ पे रखी होंगी दुकानों पर अपनी गैस भरने के लिए, वो भर रहे हैं दुकानदार अभी। और ना मोदी जी ने गैस कितनी महंगी कर दी है। कसियालिंग के ऊपर आसमान काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, बादल देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिरी हो आसमान में, मस्त सीन्स आ रहे हैं आज। मौसम ने तो काफ़ी 4 चांद लगाए हैं। बाकी कसियाली मार्केट का माहौल भी अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो सामने जो गैस है ना, मोदी जी ने गैस काफ़ी महंगी कर रखी है, 1100 में भर रहे हैं अभी गैस। तो गैस फिलहाल हो चुकी है पहाड़ों पे शाम, और ये हैं शाम के नज़ारे। आज मौसम ने थोड़ा अपना रुख बदल दिया, आसमान में बादल देखने को मिल रहे हैं, और सनसेट के बाद ना कितना प्यारा सीन आ रहा है सामने का। तो खूबसूरत मौसम शाम का, और धीरे धीरे जैसे ये बादल आ चुके हैं ना, बहुत लोग पूछ रहे हैं स्नोफॉल जब भी होगा हमको रिमाइंडर ज़रूर कराना। तो मौसम देखिए आज तो मौसम ने करवट बदल ली, आसमान में बादल आ चुके हैं। गाइज अगर ऐसा ही मौसम रहा ना, तो कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है, और बारिश हो गई तो बारिश होने से माहौल बदल जाएगा, तो चांसेस भी
कभी भी बन सकते हैं स्नोफॉल के, बस थोड़ा सा मौसम और ठंडा होना, ठंडा होने दीजिए। बहुत लोगों को वेट है, बहुत लोग कमेंट में पूछ भी रहे हैं, कमेंट कर भी रहे हैं स्नोफॉल को लेके। तो देखते हैं, बादल तो आ ही चुके हैं। आज का व्लॉग भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन आपको मौसम अपडेट ज़रूर दे दिया मैंने, रिमाइंड ज़रूर करा दिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बादल सनसेट के बाद बादलों का रंग क्या देखने को मिल रहा है, इस तरफ तो पूरे लाल हैं एकदम, और इस तरफ देखोगे ना तो वाइट से बादल आसमान में, तो अलग मौसम बना हुआ है, अलग नज़ारे हैं पहाड़ों के। तो दोस्तों, यह है शाम होने के बाद का नज़ारा पहाड़ों पे। शाम हो चुकी है और आज ठंडा कम है क्योंकि आसमान में बादल आ रखे हैं, तो पाला कम गिरेगा, प्योर ठंडा हो रहा है, नेचुरल ठंडा। तो फ्रेंड, इसी खूबसूरत शाम के साथ ही अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।